बट उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि मतलब कि ऑनलाइन ही बुक करा देते हैं, क्योंकि पीस है भाई मार्वल का, एक बार जो चीज़ पसंद आ जाती है दोबारा वो मिले ना मिले, इसलिए हमने सर को बुक करा दिया। फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पे, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वहाँ पे लोग चीटिंग बहुत करते हैं, मतलब फर्स्ट पीस आप देखेंगे उसका लुक अलग होगा, 10 पीस के बाद उसका लुक अलग हो जाता है। मैं अक्षय इलाहाबाद प्रयागराज से, मैं लास्ट वीक आया था यहाँ पे। मैंने किशनगढ़ भी घूमा, मकराना भी घूमा और बिना मार्बल में भी रूपनगढ़ में विज़िट किया। मैंने काफ़ी अराउंड 15 से 20 दुकानें देखी, मकराना की भी किशनगढ़ की भी, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटी बिना मार्बल में मुझे मिली वो बाकी जगह दिखी नहीं, और प्राइस रेट भी काफ़ी रीज़नेबल है। आपको कई जगह ऐसा मिल सकता है कि प्राइस कम है, लेकिन वहाँ पे लोग चीटिंग बहुत करते हैं, मतलब फर्स्ट पीस आप देखेंगे उसका लुक अलग होगा, 10 पीस के बाद उसका लुक अलग हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो थोड़ी सीखने को मिली कि भाई आप कोई भी स्लैब लीजिए तो उसका चेक करिए कितना है, उसमें से क्वांटिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें चेक करिए। तो हमने काफ़ी 2-3 दिन घूमा मैं फैमिली, बट उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि मतलब कि ऑनलाइन ही बुक करा देते हैं, क्योंकि पीस है भाई मार्बल का, एक बार जो चीज़ पसंद आ जाती है दोबारा वो मिले ना मिले, इसलिए हमने सर को बुक करा दिया। मैं उस टाइम ले लेता लेकिन कुछ कारणवश मुझे जाना पड़ा, तो मैं नेक्स्ट वीक आया हूँ। अभी आ जाते मान हमने बुकिंग कराई थी, हमने लोड कराया और लोडिंग के समय सर ऐसा तो नहीं लगा कि मार्बल, वही जो आप बता रहे कि बहुत जगह ऐसा होता है आगे के पीस क्या है पीछे का पीस क्या है? नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब थ्रू आउट एक ही पीस था, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आगे लाइट है और जाते जाते पीछे डार्क हो, कई कई जगह तो और बेटर हो जा रहा था पीछे की तरफ। मैंने जो आपको मार्बल दिया है, मेरे मार्बल में एक खासियत देखी होगी आपने, आगे हल्का सा डार्क रहेगा लेकिन पीछे उसमें वाइटनेस बढ़ती जाएगी, जितना अंदर जाएगा जितना लोड होगा उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। मैं दूसरों की तरह पीछे क्या है आगे क्या है वैसा नहीं रखता, पीछे मेरे पास और बेटर मिलेगा आपको। नहीं ये बात तो सही है कि पीछे और बेटर था, मतलब क्लियरिटी भी थी और लोडिंग अनलोडिंग में कोई इशू नहीं है और नाप वगैरह में भी कोई इशू नहीं है, तो कहीं आया भी नहीं। क्रैक तो हमारे दोनों मार्बल में कहीं आया ही नहीं, हमने अराउंड 3000 फिट लिया टोटल। सर ने 3000 स्क्वायर फिट लिया था, मैम भी फर्स्ट टाइम आए मार्बल परचेज करने के लिए, ज़्यादा नहीं पूछूंगा आपसे, थोड़ा सा बता दीजिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। हाय मेरा नाम नेहा है, फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पे, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कहीं लगा तो नहीं कोई चेकिंग वाला सर जो पसंद करके गए वो मैं उनके साथ चेकिंग कर रहा हूँ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा भी लगा। तो आप भी मकराना मार्बल परचेज कर सकते हैं, बिना मार्बल विजिट करके भी परचेज कर सकते हैं, जैसे कि सर ने ऑनलाइन परचेस किया वैसे भी आप परचेस कर सकते हैं। सर ऑनलाइन परचेस करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप आइए बुक करिए, ऑनलाइन कैटलॉग सर से ले लीजिए, एक माइंड मेकअप ले लीजिए, आप वीडियो भी रिक्वेस्ट करेंगे तो सर वीडियो भी बना के भेज देते हैं आपको, तो फुल सेटिस्फेक्शन रहता है। ऑनलाइन कर सकते हैं और आप आके भी बुक करा सकते हैं, कोई ऐसा कोई इशू नहीं। ओके सर, थैंक यू मैम, नमस्कार।